हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट वॉर्स, जो हमारी महत्वपूर्ण लड़ाइयां हुई हैं हमारे भारतीय इतिहास से, इंडियन हिस्ट्री में, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कल आईबी के 2013 के पेपर का पहला सेट दिखाया था, 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक, उसमें कई सारी लड़ाइयाँ भी पूछी गई थी। इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ, जिसमें मैं कवर करूँगा लगभग जितनी भी थी, बीसी से लेके एडी तक जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, ठीक है। बैटल ऑफ हाइड पास से लेके लास्ट हमारी कारगिल का युद्ध है, ठीक है, और उसके बाद जो भी उससे पहले, ठीक है, हमारा हुआ था इंडो सिनो, इंडो चाइना जो होता, वो सारे हम इसमें देखेंगे। पर उससे पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और इससे पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब नीचे एक लाल बटन को उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको जितनी भी वीडियोस हैं आईबी से रिलेटेड, ठीक है, आईबीपीएस हमारा क्लर्क है, और सबसे रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई वक्त के बारे में। तो पहला जो है वो है 326 BC में बैटल ऑफ हाइड पास, ठीक है। ये पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में हुई थी। देखिए, पोरस जो थे वो पंजाब के राजा थे, और जिनकी लड़ाई हुई थी अलेक्जेंडर से, और पोरस इसमें हार गए थे, ठीक है, अलेक्जेंडर जीत गए थे। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है वो है हमारी 261 BC, ठीक है, जो कलिंग वॉर हुआ था। ये बहुत ही फेमस वॉर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉर है हमारे, जो अशोका के बीच में हुआ था, और अशोका ने इसमें जब कलिंग वॉर हुआ था वो जीते थे, लेकिन इतना खून खराबा हुआ था कि वो उसको देखकर उन्होंने बुद्धिज्म अपना लिया था, लड़ाई कभी ना करने की कसम खा ली थी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 712 AD इन्वेजन ऑफ सिंध। देखिए, जब जो हमारा सिंध था, इन्वेजन ऑफ सिंध था, इसमें मोहम्मद बिन कासिम जो था वो हमारा पश्चिम की तरफ से आया था, ठीक है, और उसने जो सत्ता थी, अरबों की सत्ता, ठीक है, वो स्थापित की थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा 1191 में, ठीक है, पहली लड़ाई हुई थी, तराइन की पहली लड़ाई, ठीक है। ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और मोहम्मद गौरी हार गया था। उसके बाद देखिए जस्ट एक साल बाद ही फिर सेकंड बैटल ऑफ तराइन हुई थी, फिर से गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, लेकिन इस बार गौरी अच्छी तैयारी से आया था और उसने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। उसके बाद देखिए 1994 की बैटल ऑफ चांडवार, ठीक है, ये इसमें गौरी और जो हमारे जयचंद्र थे, ठीक है, कन्नौज के जो राजा थे जयचंद्र, उनके बीच में हुई थी, ठीक है, और मोहम्मद गौरी ने जो जयचंद्र थे उनको हरा दिया था। उसके बाद देखिए हमारी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी, जो हमारी मुगल साम्राज्य की नींव कही जाती है, इस टाइम रखी गई थी, ठीक है। बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा के जो मुगल साम्राज्य था उसकी नींव रख दी थी। उसके बाद देखिए 1527 में बैटल ऑफ खानवा, इसमें बाबर ने राणा सांगा को हराया था। राणा सांगा आपको पता, जिसने विजय स्तंभ की स्थापना की थी, ये CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही बाबर ने राणा सांगा को बैटल ऑफ खानवा में हराया था, ठीक है। उसके बाद आता है 1529 में हमारा बैटल ऑफ घाघरा हुआ था, बैटल ऑफ घाघरा, जिसने बाबर और अफगान्स जो थे हमारे उनके बीच में लड़ाई हुई थी, और बाबर ने अफगान्स को हरा दिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बैटल 10 साल बाद होती है हमारी बैटल ऑफ चाउसा, ठीक है। बैटल ऑफ चाउसा में शेरशाह सूरी ने, ठीक है, हुमायूं को हराया था, तो शेरशाह सूरी डिफीट्स हुमायूं। उसके बाद देखिए हमारा 1540 बैटल ऑफ कन्नौज, ठीक है, इसको बिलग्राम भी कह सकते हैं हम, जिसने शेरशाह सूरी ने फिर से हुमायूं को हरा दिया था, ठीक है। तो हुमायूं लगातार दो बार हारे थे हमारे, किससे, शेरशाह सूरी से। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट होती लड़ाई थी हमारी, वो थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, ये 1556 में हुई थी, जहाँ पर क्या था, जो बैरम खान थे जो रिप्रेजेंट कर रहे थे किसको, अकबर। बैरम खान कौन थे, सेनापति थे अकबर के, जिन्होंने हेमू को हराया था, ठीक है। उसके बाद देखिए बैटल ऑफ टलीकोटा, बैटल ऑफ जो टलीकोटा है, जिसे हम बनी हट्टी भी कह सकते हैं, वो विजयनगर एम्पायर था, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेड बाय था सदाशिव, सदाशिव विजयनगर एम्पायर को रिप्रेजेंट कर रहा था, और वो हारा था, जो एक कहते टीम थी किसकी, अहमदनगर की, बीजापुर की, गोलकोंडा की और बिदार की, ठीक है, ये चार राज्यों की टीम थी जिसने विजयनगर एम्पायर को हराया था। उसके बाद देखिए बैटल ऑफ हल्दीघाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ाई हुई थी और अकबर जीत गया था, ठीक। उसके बाद देखिए 615 में एक ट्रीटी होती है, ठीक है, मेवार और मुगल्स के बीच में, जहाँ पर क्या है, जो हमारे राणा अमर सिंह थे, ठीक है, वो जहांगीर से एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, शांति ट्रीटी है, ठीक है, शांति डील थी, पीस डील थी, वो साइन कर लेते हैं हमारे। उसके बाद देखिए हमारा 1649 में था, जहाँ पर मुगल जो थे और सफ़ाविद जो थे उनके बीच में लड़ाई होती है, ठीक है,
जो सफ़ावेद थे वो हमारे पर्सिया से थे, और जो मुगल थे वो हार गए थे कांधार को पर्सिया के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 1658 में हमारा बैटल ऑफ धर्मट या कहें तो सामूगढ़ होता है, जिसमें औरंगजेब ने हराया था किसको, दारा सिखोह को, ठीक है, दारा सिखोह को औरंगजेब ने हराया था। उसके बाद देखिए 1665 में हमारी सीज ऑफ पुरंदर होती है, ठीक है। सीज ऑफ पुरंदर में क्या, जो राजा जयसिंह थे, ठीक है, उन्होंने शिवाजी को हरा दिया था, और ट्रीटी ऑफ पुरंदर हमारी साइन हो जाती है, ठीक है। 1708 आता है, देखिए 1708 में फिर हमारी जो हुई थी वो थी बैटल ऑफ खेड़ हुई थी, जहाँ पर साहू ने ताराबाई को हराया था। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। बैटल ऑफ भोपाल भी देखिए आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, जिसमें बाजीराव ने हराया था मोहम्मद शाह को, ठीक है। उसके बाद देखिए बैटल ऑफ करनाल होती है उसके 2 साल बाद, जिसमें नादर शाह ने हराया था मोहम्मद शाह को। उसके बाद देखिए 1757 में हमारा बैटल ऑफ प्लासी होती है, जहाँ पर जो रॉबर्ट क्लाइव थे, ठीक है, उन्होंने हराया था सिराजुद्दौला को। ये क्लाइव है, यहाँ पर एल रह गया है, तो उन्होंने सिराजुद्दौला को हराया था, और जो नवाब थे बंगाल के, ठीक है। और कह सकते हैं कि जो बैटल ऑफ प्लासी था वहीं से हमारी जो एक नींव थी अंग्रेज़ों की, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो रख दी गई थी, ठीक है, क्योंकि जब रॉबर्ट क्लाइव ने उसको हराया था सिराजुद्दौला को, तो बंगाल पर राज हो गया था उनका। उसके बाद देखिए आता है बैटल ऑफ बांडीवास। बांडीवास में देखिए इंग्लिश ने, जो हमारे ब्रिटेन थे, ब्रिटिश थे, उन्होंने फ्रेंच लोगों को हरा दिया था बांडीवास की लड़ाई में। फिर हमारा होता है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो हमारा 1761 में होता है, और इसमें अहमद शाह जो अब्दाली थे उन्होंने हराया था मराठा उसको, ठीक है, मराठा हारे थे बैटल ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में। उसके बाद देखिए बैटल ऑफ बक्सर होती है हमारी, जो हमारी 1764 में हुई थी, ठीक है, 1764 में हुई थी। हेक्टर मुनरो जो थे, ठीक है, उन्होंने हराया था एक कम्बाइंड आर्मी को, जो नवाब थे मीर कासम बंगाल के, नवाब सिराजुद्दौला अवध के, और मुगल जो एम्परर थे शाह आलम, तीनों को हरा दिया था हेक्टर मुनरो ने, ठीक है। उसके बाद देखिए फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ हमारा, ठीक है, जो हमारा पहला हुआ था, उसमें हैदर अली ने हराया था इंग्लिश फोर्सों को, ठीक है, जो एंग्लो था वो अंग्रेज़ों को शो करता है, और मैसूर के राजा कौन थे, हैदर अली, उन्होंने हराया था इंग्लिश फोर्स को। उसके बाद देखिए हमारा फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर भी होता है, जिसमें जो ब्रिटिश है वो हरा देती है मराठास को। उसके बाद देखिए हमारा बैटल ऑफ उदगिर होता है, बैटल ऑफ उदगिर में देखिए जो मराठास हैं वो निजाम को हरा देते हैं। सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर है देखिए, इसमें क्या, हैदर अली जो है वो मारा जाता है, और मैंगलोर की जो है ट्रीटी वो साइन कर दी जाती है। उसके बाद देखिए हमारा थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर भी होता है, जहाँ पर टीपू सुल्तान जो थे, ठीक है, उन्होंने हराया था, और जो श्रीरंगपट्टनम की ट्रीटी है वहाँ पर साइन कर दी जाती है। देखिए 1799 में क्या है, हमारा फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, जहाँ पर टीपू सुल्तान मारे गए थे, ठीक है, टीपू सुल्तान 1799 में मारे गए थे, कहाँ, श्रीरंगपट्टनम में ही वो मारे गए थे। उसके बाद देखिए 1803 से 1804 में सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होता है, जिसमें मराठास थे वो हार जाते हैं ब्रिटिश से, ठीक है, ब्रिटिश से वो हार जाते हैं। उसके बाद देखिए थर्ड एंग्लो मराठा है, जहाँ पर मराठा हैं वो हार जाते हैं फिर से ब्रिटिश से, ठीक है, तो वो बहुत जल्दी हारते हैं, मतलब मराठा ज़्यादातर हारे हैं, चाहे उनको कितना भी फेमस कहा गया, पर वो ज़्यादातर अपनी लड़ाइयाँ हार जाते थे। कह सकते हैं कि उनमें यूनिटी की कमी थी या कुछ भी रीज़न हो सकता है, पर वो हार जाते थे। उसके बाद देखिए 1824 और 26 में फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर हुआ था, ब्रिटिश विन ओवर बर्मिस, देखिए जो अंग्रेज थे वो जो बर्मा से लोग आए थे उनसे, उनके खिलाफ जीत जाते हैं। फिर 1839 से लेकर 42 के बीच में फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर हुआ था, जहाँ पर जो ब्रिटिश है वो अंग्रेज हैं, उन्होंने जो अफगान रूलर थे, ठीक है, दोस्त मोहम्मद, उनको हरा दिया था। उसके बाद देखिए 1845 और 46 में फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर भी हमारा हुआ था, जहाँ पर सिख थे जो ब्रिटिश से हार गए थे। देखिए ब्रिटिश ज़्यादातर आपने देखा होगा हर जगह वो जीतते गए, क्योंकि उनकी जो टेक्नोलॉजी और जो टेक्निक थी वो बहुत हाई थी हमारे इंडियन से। सेकंड एंग्लो सिख वॉर भी हुआ, जहाँ पर पंजाब जो था वो एनेक्स्ड कर दिया गया था, कहें तो अपने कंट्रोल में ले लिया गया था ब्रिटेन द्वारा, या कहें तो अंग्रेज़ों द्वारा। उसके बाद देखिए सेकंड एंग्लो बर्मिस वॉर भी हुआ था, जहाँ पर ब्रिटिश फिर से दोबारा वॉर जीत गए थे बर्मिस के खिलाफ। थर्ड एंग्लो बर्मिस वॉर हुआ था, जहाँ पर देखिए बर्मिस जो थे या बर्मा के जो लोग थे वो फिर से हार जाते हैं, और जो ब्रिटिश है या कहें तो जो अंग्रेज हैं, उन्होंने अपने कंट्रोल में बर्मा को भी कर लिया था। नेक्स्ट देखिए जो हमारा है वो 1868 से लेकर 80 तक चला था 12 साल, जो सेकंड एंग्लो अफगान वॉर था, जहाँ पर गंडमार्क की जो ट्रीटी है वो साइन की गई थी, उसके बाद उनकी लड़ाइयाँ ख़त्म हुई थी। उसके बाद देखिए फिर दोबारा से होती है जो 1921 और 1919 से लेकर हमारी 21 तक चली थी थर्ड एंग्लो अफगान वॉर, यहाँ पर क्या था,
जो एट आर्ट माइस था, ठीक है, आर टी माइस जो था वो ख़त्म हो गया, तो एक डूरंड लाइन जो है हमारी, ठीक है, मतलब बाउंड्री जो कहेंगे तो हमारी, जैसे हमारे इंडिया में LOC है, वो खींच दी गई थी और जो लड़ाई थी वो ख़त्म हो गई थी 1921 में, ठीक है। तो ये थे देखिए, और इसके बाद अगर हम आगे चले, हमारी जो जो पोस्ट इंडियन इंडिपेंडेंस फाइट हैं, मतलब इंडिया की इंडिपेंडेंस से पहले की ये फ़ाइट थी, अब इंडिया से इंडिपेंडेंस की जो बाद की फ़ाइट हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिसमें जितनी भी फ़ाइट है जो लड़ी गई हैं इंडिया के, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद, चाहे वो हमारी इंडिया की हों चाहे वो इंडिया से बाहर की हों, ठीक है। और कुछ बाहर की लड़ाइयाँ भी हैं, जैसे ओटांगो की, ठीक है, ओटामा की, जितनी भी हमारी डायनेस्टीज, चाइना की डायनेस्टीज हुई, उन सब की फ़ाइट हैं, और हमारी जो रसिया और जर्मनी और वर्ल्ड वॉर टाइप जितनी फ़ाइटें थी, वो सब मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, तो आप वो देखते रहिए। और आई होप कि आपकी वीडियो पसंद आएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।